नमस्ते। सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, 2001 का जो एक्ट बना हुआ है। सेक्शन नंबर 4 जो है वो बात करता है कि रेंट टू बी एग्रीड, रेंट जो है वो कितना दिया जाए कितना नहीं दिया जाए उसके लिए सेक्शन बना रखा है। बहुत सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 4 में बता रखा है कि जो रेंट है जो प्रेमाइसिस के लिए आपको देना है वो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब अगर रिवीजन की बात करिए, अगर रिवीजन हो जाता है रेंट का, क्योंकि रिवीजन ऑफ रेंट के हम जब सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बता रखा है कि हर साल 5% रेंट बढ़ा सकता है लैंडलॉर्ड आराम से, बिल्कुल कोई मना नहीं है। तो जिस हिसाब से आपका एग्रीमेंट है और जो जिस तरह से भी बात चल रही है तो उस हिसाब से आपका जो रेंट है वो दिया जाएगा जितना आप एग्रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है कि जितना एग्रीड है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में वो आपको देना है। बट ये इंक्लूड नहीं करता, मतलब जो रेंट का अमाउंट है वो क्या इंक्लूड नहीं करता कि अगर कोई आपने सुविधा है ऐसी जो सेपरेटली आप लेना चाह रहे हैं तो वो सुविधा का जो खर्च है वो रेंट में इंक्लूड नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि ऐसा मकान हो जिसमें लिफ्ट हो, और अगर आप रेंट की बात करते हैं रूम की जो प्रेमाइसिस है, तो प्रेमाइसिस का रेंट तो है 4,000, और अगर आप लिफ्ट यूज़ करेंगे उस प्रेमाइसिस उस बिल्डिंग की तो उसके लिए आपको 1,000 अलग से देना पड़ेगा, तो टोटल आपका रेंट हो जाएगा फिर 5,000। तो अगर आप मान लीजिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो रेंट आपका 5,000 है, लेकिन वो अगर आप इसको एज ए आप सेपरेटली आप एग्रीड कर रहे हैं कि ये चीज़ अलग है तो रेंट जो है वो काउंट 4,000 ही होगा, और जो 1,000 है वो एज ए लिफ्ट का खर्चा माना जाएगा। तो वो सेपरेट एमिनिटी हो गई, एक तरीके की सेपरेट सुविधा हो गई। या फिर आप बोल दीजिए, जैसे करंट टाइम में क्या होता है, वाईफाई जो फैसिलिटी है इसका बहुत ज़्यादा रहता है कि वाईफाई, तो वो हो सकता है कि लैंडलॉर्ड आपसे कहते हैं कि वाईफाई फैसिलिटी का पर मंथ आपको 200 रुपीज़ देने अलग से, तो रेंट जो है वो आपका रूम का जो है वो अलग रहेगा, 200 जो है वो आपके वाईफाई फैसिलिटीज़ के अलग रहेंगे। लिफ्ट का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो एक चीज़ इसमें ये हो सकती है कि लिफ्ट क्या है, ऑलरेडी एमिनिटीज़ की डेफिनेशन में इंक्लूड है, तो हो सकता है कि मकान मालिक आपको ये बता दे कि लिफ्ट इंक्लूड करके जो पूरा रेंट है वो भी एक्सेप्ट हो सकता है, और अलग अगर बता रहा है तो बिल्कुल जो लिफ्ट का अलग है वो अलग देना है और नॉर्मल जो रेंट है वो अलग माना जाएगा। तो ये है सेक्शन नंबर 4। इसके बाद आगे इसमें बात करी है सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 जो है बात करता है पेमेंट एंड रिमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट। जो टेनेंट होता है उसको क्या करना है, रेंट देना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रेमाइसिस का इस्तेमाल किया है, उसने जो एमिनिटीज़ लैंडलॉर्ड ने दिए वो ली है, आप सुख सुविधाएं सारी ले रहे हैं तो आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए सेक्शन 5 बता रखा है कि किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। इसमें बता रखा है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, तो जो रेंट दिया जाएगा वो महीना जिस दिन रेंट का, जिस दिन आपका मंथ जो है वो एंड हो जाएगा, उसके आने वाले 15 दिनों में आप कभी भी रेंट दे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 जनवरी से आपने मकान लिया है तो 1 जनवरी से और 1 फरवरी तक तो आप रह लीजिए पूरा अच्छी तरह से, सुविधाएं आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेंट जो देना है वो आपको 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में आपको रेंट देना है। लेकिन होता क्या है, जनरली जब हम मकान लेने जाते हैं किराए पर तो मकान मालिक पहले कह देता है कि जो रेंट लूँगा वो महीने की शुरू होने के 1 तारीख को ले लूँगा, महीना शुरू होने से पहले ले लूँगा। तो वहाँ पे क्या है कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उससे ओरल कि हाँ मैं देने को तैयार हूँ, इसलिए आप पहले दे देते हैं। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है आपके पास, लैंडलॉर्ड किराए जो मकान मालिक और किराएदार जो हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं, तो आपको जो रेंट देना है वो महीना ख़त्म होने के आने वाले जो 15 दिन हैं उनके अंदर आपको देना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें लिखी है कि जो भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट जो है वो दी जाएगी। रिसीट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें एक रेंट बुक आती है, मार्केट में मिलती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि इतना रेंट इस मकान मालिक ने इस किराएदार से इस तारीख को लिया। तो वो रेंट बुक जो एक डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को फिल करवा के, आपका पूरा राइट है कि आप एक ऐसी रिसीट लें कि मैंने आपको रेंट दे दिया है, ये राइट है आपका। जो टेनेंट होते हैं, जो किराएदार होते हैं, उनका राइट है कि वो एक रसीद लें। उसके बाद है कि जो टेनेंट हैं अगर वो पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को या उनके एजेंट को, तो वो पेमेंट या तो पर्सनल पेमेंट मतलब जाके कैश दे दें कि ये कैश लीजिए, या फिर वो चेक दे सकते हैं, या फिर वो बैंक ड्राफ्ट मतलब DD बनवा के भी दे सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट जो होता है
आप बैंक से ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो बैंक जो है बैंक ड्राफ्ट आप दे सकते हैं। बैंक से भी ड्राफ्ट बनता है, डिमांड ड्राफ्ट अलग होगा, बैंक ड्राफ्ट अलग है, तो बैंक से ड्राफ्ट आप बना के दे सकते हैं। इसमें आगे फिर लिखा है कि आप जो है उनके डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर लकान मालिक आपको अपना अकाउंट नंबर बता दे तो आप उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात यह है कि अकाउंट नंबर जो है मकान मालिक का उस ही एरिया का होना चाहिए, जो बैंक अकाउंट का नंबर बता रहा है मकान मालिक, वो उसी एरिया का होना चाहिए जहाँ पे वो प्रमाइसिस है, उसी म्यूनिसिपल एरिया के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जयपुर की बात करूँ, तो जयपुर में अगर मान लीजिए मैंने मकान लिया है सी स्कीम के अंदर, तो सी स्कीम का जो म्यूनिसिपल एरिया है उसी एरिया में, जयपुर नगर निगम तो वैसे तो पूरे जयपुर में अप्लाई होता है, लेकिन सी स्कीम का जितना एरिया कवर हो रहा है उसी में अगर कोई बैंक हो तो उसी का अकाउंट नंबर मकान मालिक उस किराएदार को दे। फिर आगे इसमें बात लिखी है कि आप पोस्टल मनी ऑर्डर से भी दे सकते हैं। तो इसमें पेमेंट के टाइप्स बता रखे हैं किस तरह से, या तो कैश दे दीजिए, या चेक से कर दीजिए, या बैंक ड्राफ्ट, या पोस्टल मनी ऑर्डर कर दीजिए, या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये बेसिकली सेक्शन नंबर 5 है। और कब देना है, महीना ख़त्म होने के आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम जब भी किराएदार जाता है मकान मालिक के पास, तो मकान मालिक पहले ही बात ये रखता है कि किराया जो है मैं महीने के पहले दिन ही ले लूँगा, महीना शुरू होने से पहले ले लूँगा। तो ये है सेक्शन नंबर 5 और 4। थैंक यू।